मेरे को ना बचपन में भूतों से बहुत डर लगता था, हंसने की बात नहीं थी। हाँ यार, मैं विद्या बालन देख के डर गया था, भूल भूलेगा मैं यार। हाँ, और मम्मी ने देखा तो कहती, अच्छा डर लग रहा है तो गाना गा लिया कर। मैं कह, मेरी भूतों से पट रही है अनु मलिक से नहीं। मैं गाना गा रहा हूँ, ये थोड़ी ना करेगा भूत आके के, ओहो यार मुंबई नहीं आ सकते सॉरी। और गाना गाने लगा तो वही गाना याद आ रहा है यार, आमी जय तुमार छिन छिन। अब अंधेरे में विद्या बालन नचती हुई दिख रही है मुझे, क्या करूं भाई। सबसे ज्यादा हमारा मूवीज नहीं काटा है एक्चुअली। और क्या, पहले कहते भगवान को याद करो, फिर नन बना दी भूत, अब चर्च के बाहर भी फट रही है, अंदर भी फट रही है। हाँ यार, बचपन में भूतों से डर लगता था, अब ट्रैफिक में फटी रहती है मेरी। हाँ, बाइक चलाते और कोई चलाता बाइक? मुझे एक बात बताओ, मानते क्यों नहीं हो कि गाड़ी वाले तेज चला सकते तुमसे? हाँ यार भाई, सब सही जा रहे होंगे, कोई अपनी गदी लेके 10 पे चला रहा होगा पहली लेन में। और क्या, और गाड़ी के आगे क्यों चलना है तुझे? मैंने चौकड़ी मार के चलाते देखे लौंडे। हाँ यार, साइड कर ले अपना हेलीकॉप्टर ने, मानते। और हॉर्न मार दो तो यूं हो जाते गुस्से में। मन तो करता चढ़ा दो सालों। हाँ यार, और इनसे आगे निकाल लो, इनकी ईगो हट हो जाती, फिर ये रेस लगाते गाड़ी वाले से। अरे मान जाओ भाई, गाड़ी 150 पे ब्रेक भी मारेगा ना गाड़ी वाला तो रुक जाएगी, तुम्हें धरती माता ही रोक पाएगी बस। हाँ, कहीं फैले पड़े हो गए। अरे मान लो गाड़ी ठुक भी गई तो एयरबैग खुल जाएंगे, तुम्हारे पुर्जे खुलेंगे। हाँ, हैंडल लेके बैठोगे, बाइक भी थी तो यार, बाइक कहाँ गई? सारा डर खत्म कर दिया भाई इन्होंने, अब बस मौत का डर बचा है, इनकी मेरी नहीं। हाँ, और कैब वाले भाई अलग चल रहे, ये पैरेलल यूनिवर्स में चला रहे हैं भाई गाड़ी। हाँ, कुछ पहले ऑटो चलाते थे, उन्हें कैब दे दी, बट इन्हें अभी भी लगता है आगे एक ही पहिया है। हाँ, आगे से निकाल लो, पीछे से तो निकल ही जाती है। नहीं यार, और कुछ ट्रक चलाते थे पहले, उन्हें इनोवा दे दी। अब वो उसका जहाज बना घूमते भाई। मैं मजाक में, भाई हमें मिला था कि हम दूध सा ऐसा, हम हिमाचल जा रहे थे दिल्ली से भाई, एक तो इतना पतला वो भाई, मुझे ऐसा डर लग रहा था कि गाड़ी मोड़ते हुए अगर स्टीयरिंग छूट गया ना उसके तो ये साथ घूम जाएगा उसके। आंखें आधी बाहर भाई के, गुद्दी पर रैप्टा मार दो हाथ में आ जाए। हम जा रहे थे दिल्ली से, निकलना था रात को हमें, तो हमने फोन किया, मैं कहा हाँ भैया कहाँ हो? करा लिया बस एक घंटे में। 15 मिनट बाद फोन करके कहता, आ जाओ फटाफट नीचे, टाइम नहीं है मेरे पास। एक घंटा नहीं बोला था तुमने? रात रोड खाली थी, गाड़ी चाकती तो कुछ गड़बड़ तो लग रही थी मुझे, फिर भी हम चले गए नीचे। नीचे गए जाते दिख गया था इसने कुछ तो कर रखा है। हाँ यार, गाड़ी खड़ी है, ये स्टेयरिंग पकड़ के यूं हिले जा रहा है। मैं कहाँ जाएगा? कह रहा हिमाचल जाऊंगा। तो हमें तो ले चल भाई। हाँ तो बैठो फटाफट, टाइम नहीं मेरे पास। ओह माइकल सुमाकर, खोल तो देना है। करो ओ अच्छा, ये आया आया। बैठे, अब मैं यहाँ बैठा हूँ पीछे, एक आगे बैठा ड्राइवर, एक यहाँ साइड में, अब मैं फोन में लग गया। थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ गाड़ी यहीं खड़ी है, और इसे देखा ये स्टेयरिंग पकड़ के नाच रहा है। ओ कहाँ जाएगा? अरे हिमाचल जाऊँगा। तो स्टार्ट तो कर ले जहाज ने। ओ या मगर नींद तो नहीं आ रही तुझे? जोन आउट हो रखा है। करना ना, बहुत ट्रक चलाया हमने। ये कैसा जवाब है?
कह रहे नींद नहीं आते हमें। मैं कह भाई आ रही हो तो मुंह धो लियो जाके। कह रहा अरे भैया शेरों के मुंह किसने धोए। क्या वो कबीरदास के धोए साल के रहता मारो मैं खींच कर। मैं क्या धोए तो गधों के भी नहीं किसी ने। ये स्लो मोशन में पीछे मुड़ा क्या फालतू ने बोलो गाड़ी चला दो साले स्टार्ट कर ले से। चले वहां से चले 10 मिनट चलाई भाई ने रोक दी। क्या हो गया? कह रहा भैया वो नींद से आ रही थोड़ी थोड़ी। अभी पूछ के नहीं निकला था मैं तेरे से 10 मिनट पहले। कह रहा हाँ तो तब नहीं आ रही थी। अब खराब आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो साले अब आ गए। कर बस मुंह धो क्या और भग गया। हाँ 15 मिनट हो गया है नहीं। मुझे लगा भाई सो गए जाके। आधे घंटे बाद आ रहा मटकता मटकता आया बैठा। मैं कहा भाई धो लिया शेर ने मुंह? अरे फालतू ने बोलो गाड़ी चला दो स्टार्ट करे से पहले तो। और रोक दी ना अब तो पटेगा भाई इसने चला ही नहीं। ये यूं बैठा था स्लो मोशन में मुड़ा ये पीछे। भाई सच बताऊं एक बार तो फटी थी मेरी क्योंकि अंधेरे में सिर्फ मुंडी पे ऐसे ऐसे यहां दिख रही है। क्या वो घूर मत साले आगे चला गाड़ी। इसने चलाई नहीं भाई इसने बनाया जहाज उसका भाई 150 पे उड़ा रहा। हाँ थोड़ी देर तो हमने देखी क्योंकि सीधी चल रही थी। हाँ उसने पहला कट मारा हमारी चिंगाड़े निकली हैं। हाँ यार चिंगाड़े पता है चिल्लाना होता गले से। हाँ सही जा रहे तुम चिंगाड़े निकलते पिछवाड़े से। हाँ हम यूं थे भाई भाई प्लीज भाई मेरे सामने वाले यूं बैठा हुआ भाई प्लीज भाई। ये सुन ही नहीं रहा यार। थोड़ी देर बाद गाने चला दिया कर डर लग रहा गाने गा लो। मामा भाई उड़ाया जा रहा भाई सुन ही नहीं रहे। थोड़ी देर बाद इसने हरकत करी इसने पैर कर लिया यूं फोल्ड। अब ये मैनुअल गाड़ी ऑटोमेटिक की तरह चला रहा है। हाँ मेरी तो गाली निकली है बे भैंजो आराम से चलाओ। भाई ये फिर स्लो मोशन में यूं पीछे मुड़ गया और गाड़ी चल रही है। हाँ भाई इसकी शक्ल देखी मैं क्या यमदूत तो लग ही रहा है। मैंने तो पीछे देखते इसके देखते देखते बेल्ट लगा ली भाई मैंने पीछे। आज हिमाचल का तो पता नहीं कहीं तो पहुंच रहे। मेरे सामने वाले ने यहां से बेल्ट लिया यार। हाँ ये घुटने मुंह में आ जाए मौत नहीं आनी चाहिए। ये भाई ये नहीं सुन रहा। फिर मैंने इसको मैं क्या इसको भी देख लूँ थोड़ा सा। इसे देखा इसने बेल्ट इन लगा रखी। मैं क्या वो बेल्ट लगा ले मर जाएगा। कहना ना मुझे नहीं जरूरत मैंने तो लोअर पहन रखा है। कैसा जवाब है लोअर पहन रखा कह रहा तो नाड़ा है तो बेल्ट की क्या जरूरत है। तू सारे मर बे मैंने बचा रहा तुझे। मैंने तो बेल्ट पकड़ी भाई मंत्र जाप चालू। मैं कहा मौत नहीं आंदर भाई इतनी जल्दी में। भाई 1.5 घंटे चलाई इसने बॉर्डर पे आके रोक दी गाड़ी। मैं कहा अब अगर इसने बोला कि नींद आ रही है ये पिटेगा। क्या हुआ? कह रहा भैया वो गाड़ी के पेपर भूल गया। कहाँ? कह रहा वो गुड़गांव। यार कभी इतनी फटी के फटनी बंद हो जाए। मैं साले पीछे तो मैं चलाऊंगा। पीछे बिठाया मैंने बनाया जहाज उसका। फिर थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज आई कह रहा भैया आराम से। मैं कह ले गाने गा ले डर लग रहा था। भाई मेरा तो सारा डर खत्म कर दिया। एक बचा बस। हाँ वो रहेगा हमेशा जिंदगी भर पापा का। पापा का बहुत भाई मैं उनका फोन भी नहीं मिस करता। और क्या नहीं उठाओ तो फिर बोलेंगे कि सोते रहो बस पूरे दिन।
होता भाई है, तो मैं तो भाई सोते सोते भी अटेंशन हो जाता हूँ। फोन आते, यस बाबा। सो रहा था, नो बाबा। सोते क्यों नहीं फिर 2:30 बज रहे रात के। फिर दिन भर सोते रहना। मैं क्या डर लग रहा था, कह रहा तो गाना गा ले फिर।